व्हाइट व्हाइट पुलाव होता है, मेमनी यखनी पुलाव है ये बेसिकली। मेमनी यखनी पुलाव जी बिल्कुल, ये मेमनी यखनी पुलाव भी हटके होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा खाकर। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मजा आएगा। सब तो खिला रहे हैदराबादी पुलाव, हमने सोचा था कि लोगों मार्केट से हट के लोगों को पुलाव खिलाएं, तो इसलिए आपने मेमनी पुलाव शुरू कर दिया माशाल्लाह। और वो भी माशाल्लाह 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री, और वो भी बोटी वाला, और बोटियां भी बगैर हड्डी के। माशाल्लाह यार, क्या खुशबू आई है भाई मेमनी पुलाव की। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, जबरदस्त भाईजान, पूरी साफ माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा आपने माशाल्लाह। बेहतरीन मजा आया। बताइए कि ये मेमनी पुलाव कैसा लगा? बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत टेस्टी है। हटके है जरा, ये मार्केट में जो आजकल पुलाव मिल रहे हैं बिल्कुल मार्केट से तो हटके। ओ भाई साहब, क्या मलखन मलाई हो रहा है माशाल्लाह बहुत। अच्छा भाई, तो हम यहाँ से गुजर थे लियाकताबाद डाक खाने से, और मेरे साथ अरसलान कुरैशी, बड़ा अच्छा हमारा कंटेंट क्रिएटर। उसने कहा भाई लियाकताबाद में कैसा जबरदस्त किस्म का कोई मेमनी बी पुलाव खुला है, कुछ हो जाएगा। बेहतरीन है, तो ये रहमान बाबा बी पुलाव के नाम से है, तो भाई मजा आएगा। बेहतरीन मजा आएगा, साथ में ऑफर भी मिलेगी। ऑफर भी मिलेगी, क्या ऑफर क्या है भाई? 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री है। अच्छा, वो फ्री भी है? फ्री भी है। और रात के इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से 11 बज गए, और भूख बहुत टाइट लगी, और देखें और गेमा गेमी अच्छी है माशाल्लाह। देखते हैं भाई कि इस हाथ में रश है, तो माशाल्लाह जायके में दम कम तो होगा। आए इधर चल के दिखाते हैं। अच्छा भाई, जरा मेकिंग दिखाते हैं आपको मेमनी पुलाव की किस तरीके से। अच्छा, लोग नाम रख देते हैं यार ये क्या, लेकिन पुलाव कैसे ही होते हैं भाई? हमारा पुलाव बहुत हटकर है। अच्छा, हटके? बिल्कुल हटकर है हमारा व्हाइट व्हाइट पुलाव होता है। व्हाइट आपको बताया ना मैंने, मेमनी यखनी पुलाव है ये बेसिकली। मेमनी यखनी पुलाव जी बिल्कुल, ये मेमनी यखनी पुलाव का भी हटके होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप खाएंगे तो आप बताएंगे। चलो भाई इसकी तरफ मेकिंग देखते हैं थोड़ी सी। अच्छा भाई, तो हरा मसाला डाल रही है, कड़ी पत्ता और धनिया पुदीना भी शामिल है भाई। अभी यखनी तैयार कर रहे हैं, तो ये आपका मसाला है, ये स्पेशल मसाला है, ये जबरदस्त बीफ पुलाव का। जी बीफ पुलाव का ये। अरे वाह, चावल डालेंगे। ओके, वाह वाह जबरदस्त। अभी दही भी डालेगा इसके अंदर भाई, जबरदस्त। फुरकान भाई, ये बिल्कुल चिकना चूर अपना है। बिल्कुल चिकना गोश है, ये हमारा यहीं पर ही जानवर कटता है। जानवर भी यही कटता है जी माशाल्लाह, जानवर यहीं पर ही कटता है, और जानवर के बाद फिर हम लोग यहीं पर ही गोश बनकर हम रखते थे, फिर रोज सवाल होता है हमारा। तो अभी इसको कितनी देर पकाते हैं? ये इस पर तकरीबन ये 5-7 मिनट पकेगा। सही है। फिर इसमें चावल डालेंगे, चावल के बाद फिर 10 मिनट लगेंगे चावल के बाद। पसाव करने के बाद फिर उसको जी भाई, एक के बाद एक पतीला जा रहा है माशाल्लाह भाई, जबरदस्त। कौन सा है, चिकन बिरयानी है, बीफ पुलाव है? ये बीफ पुलाव है। अच्छा, बीफ पुलाव लाया भाई, मैंने बीफ पुलाव आ गया भाई। चलो भाई, रखे 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 यार, लोग इंतजार कर रहे हैं यार। अच्छा भाई, इनके पास चिकन बिरयानी भी होती है, और वो देखें हाथ कैसा चल रहा फड़केगा, एक के बाद एक पार्सल और टेक अवे जाया जा रहा है भाई। ये देखें पतीले शुरू हो गए, एक और दो लो पतीले आ गए भाई, चिकन का भी आ गया और मैमनी पुलाव भी आ गया। ये कौन सा मैमनी पुलाव है ना, ये वाला? ओ भाई साहब, ये आ गया भाई, चिकन बिरयानी आ गई भाई। ओ माशाल्लाह यार, क्या खुशबू आई है भाई मेमनी पुलाव की। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, जबरदस्त लग रहा भाई, कोई मेमनी पुलाव का जायका यार, मतलब खुशबू इतनी जबरदस्त होती है ना, और अगर कैमरे की नाक होती ना मजा आ जाता। अच्छा भाई, तो ये चना पुलाव भी होता है, और ये क्योंकि रात के तकरीबन 11 बजे से ऊपर हो गया, ये आखिरी पतीला अपनी बनेगा ना, ये आखिरी बनेगा, मतलब बीफ पुलाव बनता रहेगा, चिकन पुलाव बनता रहेगा, चना नहीं बनेगा। तो भाई अगर चना खाना है 11 बजे से पहले पहले आओ। चलो रात के 11 बजे भी आपके पास गेमा गेमी, अच्छी बात है यार। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि थोड़ा यार आजकल तो हैदराबादी पुलाव चल रहा है, आप जरा मेमनी स्टाइल का पुलाव लेकर आए, लोग बड़ा तारीफें कर रहे हैं आजकल, देख सकते हैं। हाँ माशाल्लाह, आपने दिखाई है भाई, देखें बोटियाँ, देखें माशाल्लाह यार भाई, बोटियों की तो बाहर है, तो ऐसी बोटियाँ आती है ना, ये वीडियो के लिए तो नहीं है ना? बिल्कुल ऐसी वीडियो जो दिखाएंगे वही देंगे, और जानवर अपना काट रहे हैं, वाह जबरदस्त। अच्छा ये बताएंगे ये किस जगह पे, लियाकताबाद डाकखाना बड़ा मशहूर है, लेकिन फिर भी लोगों को समझाया जरा। लियाकताबाद डाकखाना लियाकताबाद पुलिस स्टेशन के बराबर में, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बराबर में आपको नजर आ जाएगा, बड़ा सा रहमान बाबा लिखा होगा माशाल्लाह। टाइमिंग क्या होती है अपनी? टाइमिंग सुबह 12 से रात 3 बजे तक, रात 3 बजे तक शुरू है। अच्छा, जब माशाल्लाह 11 बजे 11 बजे गेमा गेमी लगी हुई, तो पुलाव भी मेमनी पुलाव भी है,
चिकन बिरयानी भी है और चना पुलाव में। चना पुलाव है तो अभी बीफ पुलाव क्या हिसाब किताब है? बीफ पुलाव मिल रहा है 650 रुपए किलो, किलो के आधा किलो, किलो पे आधा किलो। और चिकन बिरयानी? चिकन बिरयानी 600 रुपए किलो, आधा किलो फ्री। और असली होगी बेहतरीन, मजा आया खाकर, मतलब बनाए फिर खिलाएंगे आप खाने। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। यार भाई यार एक हमारा दाल लगा दे यार, असल में लगवा ले यार। वीआईपी और रिवाज वाली। हाँ अच्छा अच्छा, मुझे ना इनकी चिकन बिरयानी भी थोड़ा अच्छी लग रही है, थोड़ा स्टाइल में देखी मेकिंग, तो वो भी लगवाते हैं आधा किलो, आधा किलो, आधा किलो। तो ये आ गया भाई, हाँ नल्ली भाई, नल्ली के अलग से पैसे है ना। अच्छा भाई ये किलो ले लिया हमने, चिकन बिरयानी भी लेते हैं, एक किलो निपटाना पड़ेगा। हाँ बंदे बहुत है अपने साथ। अच्छा भाई तो वो कहा कि एक किलो का आधा किलो फ्री, तो एक किलो ये लिया, तो आधा किलो चिकन बिरयानी वैसे आ गई। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, और सस्ता अभी तो क्योंकि कई दिनों तक चल रही है इनके पास ना ये भाई। नल्ली, नल्ली का गेम जो है, तो नल्ली का गेम, नल्ली गिराओ फिर निकालूं गुदा। हाँ गिराए यार। ओए ओए भाई साहब, लाइक खाए फिर खा के बताए, आप तो आते रहते हो ना यार। क्या मैं जरा गोश्त ये कह रहे हैं, हम अपना खुद का काटते ना यार, देखे ना ये देखे ना, इधर आए गोश्त पे आजकल जो है ना वो बड़ा गुलाबी गोश्त हो रहा है यार। क्या बात है यार, बच्चे का गोश्त का अलग ही मजा देता है। ये देखें भाई, ये नल्ली गोश्त में, गोश्त और चावल, ये प्रॉपर मेमनी टच आ रहा है ना पुलाव के अंदर, आ रहा है। मैंने से बॉडी चेक की अभी, नहीं मेमनी टच आ रहा है भाई। तो आप लेकर आए हो 800 रुपए भाई, आप आपका मैं असल में आपका रिव्यू इम्पोर्टेंट होता है अभी, नहीं आपकी मोहब्बत है, लेकिन मसला ये है कि यार मतलब देखने में जो मेकिंग थी ना वो वाकई हटके थी, हटके थी। और बहुत ज़्यादा हैदराबादी पुलाव आजकल हर गली के रोड पे, जैसे आपको चिकन बिरयानी मिलती है ना, गोल्डन बिरयानी, मतलब जो लोग हैदराबादी पुलाव आके थक चुके हैं वो मेमनी पुलाव ट्राई करेंगे। हां वाला ये देखें ना, कितना आवाज़ वाला गोश्त है अपने। ज़रा यार ये देखें, ज़रा आप शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। फिर चावल चख रहा हूँ भाई पहले ना भाई, अच्छा जायके जा रहे हैं, थोड़ा सा हैदराबादी टच आता है, लेकिन ये मेमनी है, मतलब ये वैसा नहीं है हैदराबादी और मेमनी दरमियान का, लेकिन अच्छा मज़ेदार है, चटपटा सा है, मिर्चे बहुत नहीं है, मसाले अच्छे हैं, मसाले अच्छे हैं, चावल अच्छा सा है बिल्कुल। आप ही थोड़ा सा मतलब ये देखें, खुशबू सही है, आप ज़रा बोटियों का कमाल देखें ना यार। अच्छा एक किलो के हिसाब से बोटी की क्वान्टिटियाँ भी अच्छी हैं, छोटी छोटी बोटियाँ नहीं है, प्रॉपर है यार। गोश्त के बाद तो सीन ही अलग हो गया है, जो आ रही ना वो बोनलेस बोटियाँ और वो जो कितने गोश्त के दाम के अंदर, मतलब सोने में सुहागा हो रहा है भाई, ज़बरदस्त अच्छा है क्वान्टिटी के लिहाज से। ये भाई रिवाज वाली बोटी, आप खाओ यार, मेरे डॉक्टर ने बहुत मना कर दिया है लेकिन अच्छा यार, अच्छी जगह लेकर आया भाई। और ये बिल्कुल यहाँ का डाक खाना है ना, मेन डाक खाना यार। इनकी बिरयानी भी थोड़ी अच्छी लग रही है, तो ट्राई कर लें आजकल, वैसे मेरी बिरयानी सब जगह मिल जाती है, लेकिन यार ये कि मसाला अच्छा है। अच्छा बिरयानी में लोगों को आलू बड़ा पसंद होता है, ये क्या वजह है? कराची में ट्रेंड चल गया, आपको पसंद है? सही है बस, तो मसाले तो अच्छे यूज हुए हैं बिरयानी के अंदर यार भाई, मज़ेदार है ये। अच्छा ये गोल्डन बिरयानी नहीं है जो आपको 45 रुपये में मिलती है ना, ये प्रॉपर बिरयानी है, मज़ा आएगा खाकर। लियाकतवादी टच वाली बिरयानी है, बिरयानी अच्छी है, मज़ा आएगा यार, बिरयानी अच्छी है, मतलब मुझे लगा था कि बिरयानी क्योंकि बिरयानी बहुत अच्छी है। अच्छा सबसे बड़ी बात यार, ना आपने अभी सलाद यूज़ किया, ना रायता यूज़ किया, और उसके बाद टेस्ट आ रहा है आपको। हाँ इट मीन्स कि आपको अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ रही, अच्छा जायका है। तो भाई एक तो डील बहुत अच्छी है, एक किलो के आधा किलो फ्री, और जायका उससे ज़्यादा अच्छा है, और मेमनी पुलाव मिल रहा है। थैंक यू सो मच आप लेकर आए भाई, तो अपना ख्याल रखिएगा, इन शाह मुलाकात होगी, और 11 बजे भी लोग आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।